नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 10 जून को पश्चिम बंगाल से उठी जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की चिंगारी ने अब उग्र रूप ले लिया है और विरोध में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर्स ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, हर जगह अपनी सुरक्षा की मांग कर डॉक्टर्स ने कामकाज छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। हालात ये हैं कि ममता बनर्जी के अल्टीमेटम के बाद भी डॉक्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने 4 घंटे में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, लेकिन डॉक्टर्स तो मानो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से ही खौर खाए बैठे हैं। तभी तो ममता बनर्जी की बात को अनसुना कर मामले में पीएम मोदी के हस्तक्षेप की मांग करने लगे हैं और धीरे धीरे राज्य में फिर एक बार अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले तो राज्य बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं, रोज होती तोड़फोड़, आगजनी से ही ठीक तरह से उबर भी नहीं पाया था कि अब डॉक्टर्स की हड़ताल ने पश्चिम बंगाल के हालात और खराब कर दिए हैं। वहीं दीदी का इस पर अपना ही अलग रुख है। वो बीजेपी पर हड़ताल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। कहती है कि सीपीएम की मदद से बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिक तनाव पैदा कर फेसबुक पर दुष्प्रचार चलाने के लिए उकसा रहे हैं और ममता ने खुद की सरकार को डॉक्टरों के साथ सहयोग करने वाली सरकार करार दिया। वहीं बीजेपी भी फिर ममता के वार पर पलटवार करने से कैसे चूकने वाली थी। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बनर्जी पर अराजक हो जाने का आरोप लगाया और उन्हें हिटलर करार दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की इस आग का असर दिल्ली और मुंबई में कुछ ऐसा देखने को मिला कि शुक्रवार सुबह एम्स और सफदरजंग में नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि ओपीडी खुली है, लेकिन अब ये हड़ताल खत्म होती नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और डॉक्टरों के अन्य संगठन भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हो। इससे पहले भी डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाते रहे हैं, हर बार समझा बुझा कर किसी तरह डॉक्टर्स को मना कर फिर से काम पर लगा दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार जब से कोलकाता स्थित एनआरएस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 75 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई और लापरवाही का आरोप लगाकर ट्रकों में भरकर आए 200 लोगों ने 2 डॉक्टर्स को बुरी तरह पीट दिया और अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया, तभी से मामले ने तूल पकड़ा और आज 4th दिन है और हालात जस के तस है, बल्कि सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। जरूरत थी तो ममता बनर्जी को बयानबाजियों से दूर रहकर अपने राज्य में ही मामले को कंट्रोल करने की, शांति कायम करने की, लेकिन वो इस मौके पर भी बीजेपी को कोसने से बाज नहीं आई। उन्होंने बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अब देखते हैं कि डॉक्टर्स की साधारण सी मांगे, जिसमें वो उचित सुरक्षा, अस्पताल में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती और साथ ही एनआरएस अस्पताल में हुए हमले में शामिल अपराधियों को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ये कब तक पूरी हो पाती हैं? हाँ, लेकिन सरकारों ने इस पर जल्द एक्शन नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर हालात बेकाबू हो जाए। भारत को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में 2 साल हो चुके हैं। हमने एससीओ की सभी गतिविधियों में सकारात्मक योगदान दिया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एससीओ की भूमिका और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए व्यापक एंगेजमेंट जारी रखे हैं। एससीओ क्षेत्र तथा भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हजारों साल से परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे इस साझा क्षेत्र को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं। हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता,
व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। एक्सलेंसी, एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। एक्सलेंसीज, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्यों के सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में द्वितीय वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है, जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं। आज भारत अक्षय ऊर्जा का 6ठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों को का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं। एल फॉर लिटरेचर, हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय, हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजक बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं। खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है। टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी,
पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सलेंसी, बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनमें खो को धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।